नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक नई जानकारी से अवगत कराऊंगा। जानकारी हमारे पूर्व के वीडियो यदि रात्रि को नींद खुलती है तो क्या शुभ संकेत देती है से जुड़ी हुई है, से संबंधित है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि रात्रि को नींद खुलती है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो वह नींद खुली है उसका हम शुभ फल शुभ परिणाम प्राप्त कर सके। जैसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है उस परिस्थिति में, उस स्थिति में कि हमें क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि 12 बजे से 3 बजे के मध्य में आपकी नींद खुलती है तो आपको अपने बिस्तर को पलट देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए, या दूसरी स्थिति आपको अपने तकिए की दिशा बदल देनी चाहिए, यानी कि पांव की दिशा की ओर अपनी तकिया कर लेनी चाहिए। और इस स्थिति को तब तक बरकरार रखना चाहिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती या आपको आपके उद्देश्य या वो शुभ फल प्राप्त नहीं हो जाता जो इसका बताया गया है रात्रि की नींद खुलने का। तो आपको तब तक वह स्थिति मैनेज करे रहनी है, तकिया को उसी दिशा में रखना है और बिस्तर को उल्टा रखना है। यदि 3 बजे के पश्चात आपकी नींद खुलती है तो हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कि आपको तुरंत ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए, दोबारा नहीं सोना चाहिए। तो आप प्रातः काल नहा धोकर अपने घर पे पूजा पाठ आदि करने के पश्चात नजदीक के किसी शिव जी के मंदिर या किसी भी मंदिर में चले जाइए। यदि 3 बजे के पश्चात आपकी नींद खुलती है वहां पर धूप दीप अगरबत्ती दान पुण्य सब करिए उस दिन, और थोड़ा समय प्रभु को दीजिए और प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु जो आपने यह शुभ संकेत दिया है इसे आप हकीकत में बदलिए, हमारे सामने चरितार्थ करिए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हमें करवाइए जो संकेत आपने दिया है। और इस स्थिति को भी आप लगातार बनाए रखेंगे, प्रतिदिन जल्दी उठेंगे और प्रातःकाल उसी मंदिर पे या किसी भी मंदिर पे जाकर धूप दीप अगरबत्ती थोड़ा बहुत दान पुण्य कर वहां पर को प्रभु से विनती करेंगे। बताया गया है बहुत जल्दी ही इन शुभ संकेतों का परिणाम आपके पास होता है, आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना आदि आपकी पूर्ण होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो यह पूर्व के वीडियो से संबंधित जानकारी थी, वहां पर को कुछ जानकारी अनकंप्लीट रह गई थी क्योंकि लंबे लंबे वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, छोटे छोटे वीडियो हम बनाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं यदि रात्रि को आप लोगों की नींद खुलती है। तो यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी ही जानकारी के वीडियो लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को वह दबा सकते हैं। बेल आइकन यदि आप लोग दबाते हैं तो हमारे 1000 वीडियो है और जिनमें से हमें पूरा विश्वास है कि 80% से ज्यादा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही नहीं, उन जानकारियों के वीडियो हमने यूट्यूब पे बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए लाए। तो जरूर बेल आइकन को दबाइए जिन लोगों ने भी बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है। तो मिलेंगे ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमस्कार।